मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम से छोड़ा गया पानी और दूसरी ओर गुजरात के दक्षिणी इलाके में जिस तरह से बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसको चलते भरूच में ज्यादातर असर इसकी देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम मौजूद है भरूच के रिहायशी इलाके में। यहाँ पर सबसे पहले का जो नजारा है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जिस तरह से जो रिहायशी इलाके है वह सभी जगह पे अभी पानी का जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही में बात की जाए तो नर्मदा डैम की बात की जाए तो जो उसका लेवल है वो 137 मीटर से ज्यादा हो चुका है। पानी की आय की बात की जाए तो 16 लाख क्यूसेक की आय है वो पानी की अभी देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो इलाके है वो इस तरह पानी में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर मेट डिपार्टमेंट की ओर से भी भरूच और पूरे दक्षिण गुजरात में बारिश की भारी चेतावनी दी गई है, जिसको चलते प्रशासन जो है वो अलर्ट देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मंदिर के महाराज उपस्थित है, इनसे बात करेंगे। महाराज, कितने समय से ये स्थिति है और पानी जो है जल भराव की स्थिति है, तो क्या मंदिर बंद है, चालू है, क्या स्थिति है? नहीं, आज के हालातों में तो मंदिर चालू ही है। पानी जो है रात्रि 3 बजे से पानी बढ़ रहा है, बढ़ते हुए अभी बढ़ते क्रम में आ ही रहा है पानी। जिस हिसाब से ऊपर से छोड़ा जाएगा पानी, उस हिसाब से अभी यहाँ भर्ती और अधिक आएगी। रिहायशी इलाके भी है यहाँ पर, तो उन लोगों को कहाँ पे हटाया गया? इनका सब बंदोबस्त ऊपर किया गया है, सबको अलर्ट किया गया है अपने अपना सामान और बंदोबस्त में सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। प्रशासन की नजर भी रहेगी क्योंकि ये बारिश की भी चेतावनी है और दूसरी ओर जो पानी की आय है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दक्षिण गुजरात के कुछ इलाके हैं जैसे कि भरूच, तापी, वलसाड, वहां पर पानी की जो आय है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और घंटे हर घंटे जो बारिश और उसके साथ में ही पानी की जो आय है उस पर नजर बनाए रखी है प्रशासन।